और इस बीच बड़ी खबर जोधपुर से, गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया अस्वीकार, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, चुरू के मालासर गांव में एसओजी ने किया था एनकाउंटर, एसीजेएम सीबीआई केस अस्पताल ने लिया संज्ञान। तो बड़ी खबर जोधपुर से, ड्रग गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला आया है, तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट थे शामिल, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी थे शामिल, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, चुरू के मालासर गांव में एसओजी ने किया था एनकाउंटर, एसीजेएम सीबीआई केस अदालत ने लिया संज्ञान, तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट शामिल थे इस एनकाउंटर में, इसके अलावा एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी भी शामिल थे। वहीं पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ने इस मामले में प्रसंज्ञान ले लिया है, चुरू के मालासर गांव में एसओजी ने एनकाउंटर किया था, ये पूरा मामला आनंद पाल को सरवण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहां पर थे, छत के ऊपर आनंद पाल छुपा हुआ था, पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी, पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए, छत पर जाते ही आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया, तुरंत पुलिस अधिकारी ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित परिहार जुड़ गए हैं। ललित, देखिए जिस तरह से प्रसंज्ञान लिया गया है कोर्ट द्वारा, क्या कुछ अपडेट है आनंद पाल मामले में? करीब 6 साल बाद में ये आनंद पाल मामले में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया है। इस मामले में जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है उसे सीबीआई कोर्ट ने, जो सीबीआई का एसीजीएम कोर्ट है जोधपुर में, इसने इस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है जी। यह जो परिजनों की तरफ से आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद में ये रिपोर्ट दी गई थी और इसमें पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया गया था और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जांच के बाद में सीबीआई ने इसे हत्या नहीं माना था और इसे एनकाउंटर ही माना था और वो क्लोजर रिपोर्ट आज पेश की, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार करते हुए प्रसंज्ञान लिया है। जो पुलिस अधिकारी, जो तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारत, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी के हेड कांस्टेबल कैलाश, जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, उन लोगों को आरोपी माना है और क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, प्रसंज्ञान ले लिया। इसका मतलब इन सभी आरोपियों पे अब 302 यानी कि जो आईपीसी पुरानी है जिसमें हत्या का आरोप 302 के तहत लगता है, वो अब आरोप इन पर है और अब इनके ऊपर केस चलेगा। हालांकि जो आरोपी हैं उनके पास में अभी, और सरकार है इसके पास में अभी ये चांस है कि वो इससे ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। हालांकि अपील जब करेंगे तभी ये बात सामने आ पाएगी। फिलहाल तो इन सभी पुलिस अधिकारियों को आरोपी मानते हुए, हत्या का आरोपी मानते हुए कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया, यानी इन लोगों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। बिल्कुल, और देखिए इस मामले में ललित, कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, बड़े लेवल के पुलिस अफसर हैं, वो नप सकते हैं, उन पर जो है इस तरह के आरोप लगे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आरोपियों के वकील ने जो बताया है, जो आरोपियों के परिजनों की ओर से, सॉरी, जो इसमें आनंद पाल के परिजनों की तरफ से जो वकील किए गए हैं, उन्होंने, वकील ने बताया है कि उन्होंने सरेंडर के बाद में हत्या की है,
और यही आरोप एफआईआर में है कि आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया था अपने भाई जिसको कि पुलिस ढाल बनाकर आगे ले गई थी और उसके कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने के बाद में उसे गोली मारकर हत्या की गई, ये परिजनों का आरोप है और इसी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसकी जांच सीबीआई ने की, लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने इसे नहीं माना है। अब ये सभी अभी हत्या के आरोपी हैं और इन पर मुकदमा चलेगा जब तक कि किसी ऊपर के कोर्ट से इनको राहत नहीं मिल जाती। कृतिका, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जोधपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और इससे कई बड़े अफसर जो हैं वो नप सकते हैं। चुरू के मालासर गांव में एसओजी ने एनकाउंटर किया था और हत्या का आरोप लगा था एसओजी पर। एसीजीएम सीबीआई ने रिपोर्ट दी थी और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। डीएसपी सूर्य सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश थे शामिल। जोधपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकार। तो जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। बयान, हंगामा, दावे, ये सब कहां सच बतलाते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी तो आंकड़े ही कर पाते हैं। देखिए मेरे साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका, रोज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर।